दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी करंटली बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है, जैसे स्केलेबिलिटी, एनर्जी कंजप्शन एंड द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद रेगुलर मनी। कार्डेनो अपने आप को थर्ड जनरेशन पब्लिक ब्लॉकचेन कहती है। इसकी कम्युनिटी इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम कर रही है, ताकि वो उससे ऊपर वाली क्रिप्टो करेंसी से इम्प्रूवमेंट कर सके, जैसे बिटकॉइन एंड एथीरियम। तो इस वीडियो में हम कार्डेनो के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एज ऑफ अक्टूबर 2021, कार्डेनो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे फोर्थ बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। आपने फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सुना होगा, जो कि है बिटकॉइन एंड एथीरियम। कार्डेनो अपने आप को पहली थर्ड जनरेशन क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। एथीरियम की तरह इसका एम भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना है, जिसकी हेल्प से लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट कर सकें। कार्डेनो के क्रिएटर्स का मानना है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन्स, फॉर एग्जांपल एथीरियम, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, जिसे कार्डेनो का नया प्लेटफॉर्म दूर कर सकता है। एथीरियम नेटवर्क करंटली प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म यूज करता है अपनी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए, जिसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है एंड एक टाइम पे सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ही प्रोसेस किए जा सकते हैं। लेकिन कार्डेनो यूज करता है प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म, जिसमें लेस पावर यूज होती है। इसका नेटवर्क एक एल्गोरिदम यूज करता है, जिसे कहते हैं ओरोबोरस, ब्लॉक्स को वैलिडेट एंड नेक्स्ट ब्लॉक के क्रिएटर को चूज करने के लिए। एथीरियम के 2.0 वर्जन अपग्रेड में, जो 2022 के स्टार्टिंग में लॉन्च हो सकता है, उसमें भी प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट कर लिया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि स्टेकिंग बेस्ड मैकेनिज्म ब्लॉकचेन नेटवर्क को ज्यादा सिक्योर बनाता है, साथ में पावर कंजप्शन एंड कार्बन फुटप्रिंट को भी कम रखता है। बात करते हैं कार्डेनो की प्रोजेक्ट्स की, तो इसके लॉन्च से ही कार्डेनो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कई सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हुआ है। अप्रैल 2019 में कार्डेनो ब्लॉकचेन की कंपनी IOHK ने इथियोपियन गवर्नमेंट एंड अदर अफ्रीकन कंट्रीज के लिए डिजाइंड एक एंटरप्राइज ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क लॉन्च किया, जिसका नाम था एलाटा। बाद में सेम ईयर सेप्टेम्बर में कार्डेनो एक एथलेटिक वेयर कंपनी के साथ पार्टनरशिप में आई, जिससे उन्होंने ब्लॉकचेन को फेक फुटवेयर डिटेक्ट करने के लिए यूज किया। इसके अलावा 2020 में IOHK ने प्रोजेक्ट एटलस एंड प्रोजेक्ट कैटलिस्ट लॉन्च किया। प्रोजेक्ट एटलस का गोल था कार्डेनो प्लेटफॉर्म पे यूजर्स के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना बाय सर्विस इंटीग्रेशन एंड मोर एसेसिबिलिटी टू इट्स टूल्स एंड प्रोडक्ट्स। और वहीं दूसरी तरफ प्रोजेक्ट कैटलिस्ट का एम था कम्युनिटी इनोवेशन को एक्सेलरेट करना एंड चेन गवर्नेंस को डेवलप करना। ये थी प्रोजेक्ट्स की बात। इसके साथ साथ कार्डेनो NFT स्पेस में भी काफी एक्सेलरेट कर रहा है। कार्डेनो बेस्ड NFT आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ राइज इन एथीरियम गैस फीस। बढ़ती हुई गैस फीस की वजह से कार्डेनो के इकोसिस्टम को NFT टोकन्स के लिए सबसे ज्यादा सुटेड माना जा रहा है। रिसेंटली NFT आर्टिस्ट एंड कार्डेनो के बीच बहुत सारी पार्टनरशिप्स भी देखने को मिली। 2021 कार्डेनो के लिए अपडेट के बाद बहुत अच्छा साबित हुआ है, और NFTs के आने के बाद और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिप्टो करेंसीज में ओपन हो गई हैं। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए आपको हमेशा अपनी खुद की रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए एंड नेवर इन्वेस्ट मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज। अगर आप भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप कॉइन DCX के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो रेगुलेशन पे अभी तक कोई भी लॉ पास नहीं किया, तो इंडिया में क्रिप्टो बाय, होल्ड, ट्रेड, सेल करने की पूरी परमिशन है। और कॉइन DCX ने क्लैरिफाई किया है कि मार्केट इजंट वन टाइम मनी मेकिंग प्लान। कॉइन DCX एडवाइज करता है कि आपको अपनी रिसर्च करके ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके लिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है, जो है DCX लर्न। यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन वगैरह के बारे में फ्री में सीख सकते हो। कॉइन DCX इज इंडिया सेफेस्ट एंड सिंपलेस्ट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ऐप। ये क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड ऑनबोर्डिंग ईजी करता है न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए। और जो भी क्रिप्टोज कॉइन DCX पे लिस्टेड हैं, वो सारे प्रॉपरली क्वालिटी चेक्ड हैं। और इन्होंने 7M मॉडल भी डेवलप किए हैं, जो क्रिप्टो करेंसीज के साथ एसोसिएटेड रिस्क को मैनेज करता है, और ये रिटेल इन्वेस्टर्स के फंड प्रोटेक्शन पे फोकस करता है। साथ ही में ये इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिस्क, टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स के बारे में एजुकेट भी करते हैं। इस मॉडल के साथ कॉइन DCX इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन को इम्प्रूव करता है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट को मेंटेन करता है एंड क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड रिस्क को रिड्यूस करते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ऐप डाउनलोड करके अपनी क्रिप्टो जर्नी मिनिमम 100 रुपीज के डिपॉजिट से स्टार्ट कर सकते हैं और सिर्फ 10 रुपीज से क्रिप्टो खरीद सकते हैं। ये ऐप यूजर्स को इंडियन रुपी यूज करके क्रिप्टो बाय करने का चांस देता है। सारे ट्रांजेक्शन्स ट्रांसपेरेंट हैं, जिसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। डिपॉजिट ऑफ डिजिटल एसेट्स इन द कॉइन वॉलेट इज फ्री ऑफ चार्ज, बट अगर आपको फायट, नॉर्मल ऑनलाइन बैंकिंग यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के जरिए अगर ट्रांजेक्शन करना है, तो 2% की ट्रांजेक्शन फीस लगती है। ये ऐप सिंपलेस्ट बाइंग एंड सेलिंग एक्सपीरियंस देता है,
और इसमें इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर्स भी हैं, जैसे कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, विद्रॉल पासवर्ड एटसेट्रा। यूजर्स के फंड यहाँ पे कम्प्लीटली सेफ एंड इंश्योर्ड हैं। आप इंस्टेंटली डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हो 24/7। और एक न्यू प्राइज अलर्ट फीचर भी है जिससे आप अपने कॉइन्स के बारे में अप टू डेट रहेंगे। ये एक ISO सर्टिफाइड ऐप है जो सारे नेसेसरी कंप्लाइंस रूल्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूडिंग KYC एंड AML प्रोसीजर्स फॉलो करता है। कॉइन DCX 24 आवर सपोर्ट असिस्टेंस भी देता है। न्यू यूजर्स को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता, कुछ ही समय में KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। डाउनलोड करें कॉइन DCX और कोड BASICGYAN100 के साथ साइन अप करने पर आपको 100 रुपीज का सैंपल बिटकॉइन मिलेगा। तो इन्वेस्ट करो कॉइन DCX पे, क्योंकि फ्यूचर यही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।